वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स, वीडियो नंबर 24 क्लास 12th। वीडियो नंबर 23 में हमने पॉवर्टी चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने बताया पॉवर्टी क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, और हमने बताया था कि इंडिया में कैसे कट ऑफ पॉइंट बनाया गया पॉवर्टी का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, तो वी विल डिस्कस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल पीसी ऑफिशियल, ठीक है। तो शुरू करते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के आपके दो बेसिक कारण है, पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि जो पॉवर्टी है वो इंडिया में दो मेन कारण से है, एक तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका अंडर डेवलपमेंट होना, और दूसरा जो मेन रीजन है कि जो हमारा रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले कि इंडियन इकोनॉमी का अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ चार पांच पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट है हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। वैसे कहने के लिए तो इंडिया का नेशनल इनकम वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है, दुनिया की छठवीं सबसे बड़ी जीडीपी है भारत की, बट अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग इंडिया काफी ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करता है। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की पॉपुलेशन हमसे 1/4 है, बट वो हमसे कहीं लगभग 12-13 गुना ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करता है, और हम उसकी पॉपुलेशन का 4 times ज्यादा है, लेकिन उसकी जीडीपी का 1/10 है। तो हमारी जीडीपी कहीं ना कहीं बहुत कम पड़ जाती है, ठीक है, जो कि हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। वैसे है तो ज्यादा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कम है ज्यादा, बट पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कम लगेगा। नेक्स्ट बात हम समझते हैं कि हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। वही बात कि जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत तेज ग्रो कर रही है। अब हैवी पॉपुलेशन का तेज ग्रो करने की वजह से हमारी पर कैपिटल जीडीपी कम आती चली जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लो रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखो इंडिया में जो प्लानिंग पीरियड है, उस प्लानिंग पीरियड में आपने देखा कि जो आपकी जीडीपी बढ़ रही थी वो ऑन एन एवरेज 5% पर एनम के स्पीड से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन भी आपका 2% पर एनम के स्पीड से बढ़ रहा है। तो जो रियल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ 3% का ही हो रहा है। मेरी बात समझिएगा, अगर हम कहें कि हमारे देश में 100 लोग थे और 100 जीडीपी था, तो हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम आया वो 1 रुपीज पर पर्सन आया। अब मान लीजिए हमारा जीडीपी बढ़ गया 5%, तो अगली बार हो गया वो 105, और हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी वो 102 हो गई। तो हमारा जो ग्रोथ हुआ वो बहुत ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है उससे थोड़ा सा ही ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम पे बहुत फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बात समझिएगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अच्छा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का क्या मतलब होता है कि जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो किसी भी चीज का वेज बढ़ जाता है, और जब वेज बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाता है। यानी कि वो सिचुएशन होती है जब प्राइस वेज को और वेज प्राइस को कैच करता है, इस चक्कर में प्राइस हमारी कॉन्टिन्यूसली बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ने की वजह से मार्केट में वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ गए, वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ने की वजह से जो लोकल वर्कर होते हैं उनको अब वो वेजिटेबल्स महंगे मिलने लगते हैं, तो वो अपने जहां वो काम करते हैं वो उनसे कहते हैं हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए। तो देखो, बढ़ी थी प्राइस पेट्रोल की, जिसकी वजह से वर्कर का वेज बढ़ना लगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। अब होता क्या है, मान लीजिए कि जब इन्फ्लेशनरी स्पाइरल है तो जो आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, वो इनकम बढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। मान लीजिए कि 1 किलोग्राम राइस की कीमत 100 रुपीज है, ठीक, अब आपकी इनकम 50 रुपीज बढ़ गई, बट राइस की कीमत 100% बढ़ गई, यानी कि वो 200 रुपीज पर किलोग्राम हो गया, तो ऐसे में आपका इनकम बढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि रियल इनकम जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन आने से हमारे पास जो पैसा पड़ा होता है उसकी वैल्यू कम होने लगती है, तो दैट इज, अब बल्कि ये भी होता है कि एक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर वाला बंदा भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से समझना, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक बंदा साल के 12 महीने बेरोजगार है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि एक आदमी जो अपनी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहा। तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में हर आदमी अपनी एफिशियंसी से कम पैसे पा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप देख लो आपके आस पास ही देखेंगे आप, ठीक है, कि जो अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उतने पैसे नहीं कमा पा रहे, दे आर अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझना होगा कि इंडिया में ये दो समस्याएं भी बनी हैं। और कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि भैया देखो इंडिया में अगर कोई आदमी स्वरोजगार की स्कीम अपनाता है, सोचता है कि चलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाऊं, तो उसके पास समस्या क्या आती है, कैपिटल की, ठीक है। बैंक उनको कैपिटल प्रोवाइड करने में हेजिटेट करता है, जिसकी वजह से बैंक्स कोई बंदा अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो आपने 5 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़े हैं, ये था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हम समझते हैं पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि जो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो अनइक्वल है। ये मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, इंडिया में 1536 यानी कि 1536 कंपनीज को सिर्फ 75 फैमिलीज चला रही हैं, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं, ऐसे भी आप समझिए कि इंडिया में, मैं ऐसे बता दूं आपको, अगर आप इंडिया के टॉप 100 फैमिलीज को ले लीजिए तो इंडिया का काफी हद तक इनकम उनके द्वारा ही जनरेट होता है। ये डाटा है मेरे पास NCAER का, जो ये कहता है कि इंडिया में जो टॉप के 20% पॉपुलेशन है इंडिया की, जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, उनमें से हम 20% स्टार्टिंग से लेते हैं पॉपुलेशन का, तो वो 20% लोग मिलकर इंडिया का 53% GDP देते हैं, यानी कि कुछ कम लोग ज्यादा GDP प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर इतने पर्सन है तो GDP इतना दे रहे हैं। और वहीं पर जो बॉटम 40% है, बॉटम का 40% कुल GDP का सिर्फ 15%, यानी कि ज्यादा लोग मिलकर GDP कम दे रहे हैं, पर्सन इतने हैं और GDP इतनी आ रही है। तो अब इससे बड़ा अंतर आप क्या देख सकते हैं कि सिर्फ टॉप 20% लोग मिलकर देश का आधा GDP बना रहे हैं, और वहीं में बॉटम के 40% सिर्फ 15% GDP दे रहे हैं, यानी कि नीचे के 40% लोग मिलकर, जो गरीब 40% है वो मिलकर सिर्फ देश का 15% GDP बना रहा है। इसका मतलब एक ह्यूज गैप है, देयर इज अ लॉट ऑफ बैरियर, देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। एक बड़ा खाई दिख रहा है हमको अमीर और गरीब के बीच में, ठीक। ये था हमारा दो कॉज जिसकी वजह से पॉवर्टी इंडिया में है। अब हम आते हैं मीजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो देखो पॉवर्टी का मेन कारण हमने क्या पढ़ा, एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रिसोर्सेज का अंडर डेवलपमेंट। तो बेसिकली अगर रिमूव करना है तो ये दो चीजों को सही करना होगा। तो देखते हैं क्या क्या है मीजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। तो पहला है थ्रू GDP ग्रोथ। देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, ठीक, अपने आपने प्रोडक्शन, आज के जो प्रोडक्शन है उसका कई गुना बढ़ा लिया, मैनी फोर टाइम्स अगर हम ग्रोथ कर लेते हैं, तो हमारा पर कैपिटा GDP बढ़ जाएगा, यानी कि पर कैपिटा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो ये जो समस्या होगी, हमारी समस्या अभी प्रेजेंट की है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा है बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करके, क्या करके, कैसे, एक फिजिकल मीजर्स है। फिजिकल मीजर्स का मतलब कि फिजिकल का मतलब जान लो सरकार की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है। अब देखो सरकार की टैक्स उसके लिए इनकम है, तो इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर अपनाया गया है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स व्यवस्था, ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें इनकम बढ़ने पर ज्यादा टैक्स लगता है, यानी कि जैसे जैसे इनकम लोगों का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो आपको पता होगा इंडिया में 5 लाख तक कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना है, 5 से 8 लाख कमाने वाले को कम टैक्स देना होता है, 8 से 10 लाख कमाने वाले को और थोड़ा टैक्स देना होता है, 10 लाख से ऊपर कमाने वाले को ज्यादा टैक्स देना होता है। तो ये आपका फिजिकल मीजर्स है इंडिया का, कि सरकार सोचती है कि हम प्रोग्रेसिव टैक्स अगर लगा देंगे तो अमीर से हम पैसा ले लेंगे, दूसरा वो सब्सिडी देकर गरीबों में पैसा दे देगा। तो ये गवर्नमेंट की फिजिकल मीजर्स है। लेजिस्लेटिव मीजर्स यानी कि कानूनी रूप से बाध्य करके इनकम बढ़ाना, ये कैसे हो सकता है। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्कीम चला, एक सॉरी एक एक्ट है मिनिमम वेज एक्ट, यानी कि कोई भी किसी बंदे से अगर काम कराता है तो वो एक मिनिमम वेज उसको देना पड़ेगा, मिनिमम वेज एक्ट के तहत। तो ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव मीजर है ताकि एक बंदा कम से कम अपना एक मिनिमम वेज पाए, ठीक है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन जैसी पॉलिसीज भी हैं जो कहीं ना कहीं पुअर्स के लिए हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट है बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। नो डाउट
अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होगा, अगर हमारी जीडीपी बढ़ी रही है, पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर ले तो हमारा धीरे धीरे पर कैपिटल जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, पर कैपिटल जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, हमारी पॉवर्टी अपने आप धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। तो कंट्रोल अगर जीडीपी अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़नी सॉरी पर कैपिटल जीडीपी हमारी ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंसिंग क्वालिटी लाइफ ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब लोगों का अगर हम जिंदगी में उनके स्टेटस को उनके लाइफ को बढ़ा सकें तो भी हमारा पॉवर्टी एलिवेट हो सकता है। तो कैसे हम ये कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर हम देखते हैं अगर पुअर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते हैं, तो अगर हम उनके लिए अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी, अच्छे स्ट्रीट्स की व्यवस्था, अच्छे स्टोरेज और अच्छे प्राइसेस वगैरह, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइसेस वगैरह अगर व्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड कर सकें तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्या होता है कि बेचारा फार्मर अपने क्रॉप्स को सेल करता है, पता चलेगा मार्केट में वो बहुत तेज हाइक कर जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो प्राइस लेवल को अगर कंट्रोल किया जा सके तो एक आदमी कम से कम अपने अपने इनकम में एक अच्छी क्वालिटी लाइफ सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट है LIT ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भारत में क्या है, भारत में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता, बट इसका कहीं ना कहीं एक्सपेंशन होना चाहिए। प्राइवेट एजेंसीज में, प्राइवेट कंपनीज भी अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। देखो सर, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिसमें वो मिनिमम नीड्स यानी कि शेल्टर, क्लोथ और फूड कम से कम, और एजुकेशन और हेल्थ, इनकी बेसिक नीड्स को प्रोग्राम के थ्रू हर बंदे तक अवेलेबल कराए, जो कि धीरे धीरे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शुरू किए फूड सिक्योरिटीज वगैरह स्कीम चलाकर। नेक्स्ट है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। देखो कंट्री में चारों तरफ तो गरीबी है नहीं, आपने देखा इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, आपने देखा कि उड़ीसा, एमपी, यूपी, बिहार, आसाम ये सब जगह ज्यादा गरीबी है, और वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरला ये सब जगहों पे गरीबी कम है। तो जो बैकवर्ड रीजन्स हैं उनमें कुछ ज्यादा काम उन पे ज्यादा फोकस करके सरकार व्यवस्था को सुधार सकती है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए भैया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे। जैसे आज आप देखो तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा काम कर रही है, तो ये थोड़ा सा इसको सीरियस वे में करना पड़ेगा तब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव पीडीएस। देखो हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे हम फूड क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट वो इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा सा इफेक्टिव मैनर में अगर हम चीजों को शुरू करें तो हमारा जो पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही खत्म करूंगा। आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और मेजर्स टू करेक्ट द पॉवर्टी। ठीक है, अब हम कल के वीडियो में जो ये चारों आपने मेजर्स पढ़े हैं, इन चारों मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 25 में कि इंडिया में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम क्या है, और उनका क्रिटिकल रिव्यू करेंगे कि क्या वो जो प्रोग्राम्स हैं क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को यही बाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालकर जरूर पूछा करिए, ताकि उससे मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।